हाय गाइस, वेलकम बैक टू कास्ट क्लोसेट। आप मेरे सामने देख सकते हैं बोलेरो न्यू का N10 वेरिएंट। क्विकली गाइस, अगर हम इसके फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं गाइस, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी ग्रिल के बारे में बात करें गाइस, तो आपको महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। महिंद्रा का ब्रॉड लोगो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। फोग लैंप भी की प्लेसिंग यहाँ पर की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। क्विकली गाइस, अगर हम इसके साइड के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हैं गाइस, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। अगर हम इन टायर्स के बारे में बात करें तो 215/75R15, यानी कि आपको इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ आप इसका साइड फुल फ्रेम व्यू देख सकते हैं गाइस। TUV 300 को ही कन्वर्ट करके बोलेरो न्यू बनाया गया है गाइस, जो कि आप देख सकते हैं। बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पर की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। N10 की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसमें आपको अलॉय देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। बोलेरो नियो की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। लीव फ्री की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बूट के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बूट को एक्सेस करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कैप्टन सीट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये चाइल्ड सीट्स ही गाइस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फुटरेस्ट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। रियर में गाइस अगर हम स्पेस की बात करें तो लॉन्ग जर्नीज तो गाइस इसमें पॉसिबल नहीं है, बट चाइल्ड इसमें इजीली बैठ सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग कुछ इतना स्पेस मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। पॉकेट भी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं गाइस, तो आपको 384 लीटर्स का बूट स्पेस में देखने के लिए मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसके इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेज कलर का इंटीरियर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। डोर ओपनर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। सीट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 पेडल्स इसमें दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट के कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। रियर डिफोगर्स को ऑन करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो आपको थार इंस्पायर्ड स्टेयरिंग इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में बात करें गाइस, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, म्यूट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, SRC का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, फ़ोन पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। महिंद्रा का ब्रॉड लोगो यहाँ पे दिया गया है। स्ट्रेट अवे अगर हम राइट के बारे में बात करें तो रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी, इवन आपको क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है गाइस, जो कि एक काफ़ी प्रीमियम फीचर है, जो कि आप देख सकते हैं। आप उसको यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपको एनालॉग ही इसमें मीटर देखने के लिए मिलता है। मिडिल में आपको MID देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। 180 तक मार्किंग स्पीड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसके की के बारे में बात करें गाइस, तो आपको लॉक अनलॉक और लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और कुछ इस तरीके की आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं।
इसमें आपको फ्लिप की मिलती है जो कि आप देख सकते हैं, क्विकली गाड़ी को ऑन कर देते हैं। अगर हम इसके एसी वेंट्स के बारे में बात करें गाइस, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में दिए गए हैं। सिल्वर इंसर्ट भी यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं गाइस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट के पावर एडेप्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यूएसबी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कुछ सामान रखने के लिए स्पेस यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ आप इसकी गियर नॉब देख सकते हैं गाइस, ड्यूअल टोन में आती है जो कि। चारों पावर विंडोज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। पावर विंडो लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके के आर्मरेस्ट इसमें देखने के लिए मिलते हैं गाइस जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ ओल्ड स्कूल हैंड ब्रेक आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रगेड फिनिश का यूज़ यहाँ पे किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ आप इसका ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं गाइस, जो कि डिसेंट स्पेस के साथ में आता है जो कि आप देख सकते हैं। आपको इसमें चारों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। के रियर के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, स्पीकर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाइस हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं तो मेरी हाइट 6 फीट है और फ्रंट सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया गया है। उसके बाद मुझे कुछ इतना स्पेस देखने के लिए मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। पॉकेट्स भी दी गई है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। सीटों की कुशनिंग के बारे में बात करें गाइस, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। रियर से डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि आप देख सकते हैं। इसके डाइमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो 3995 mm लेंथ, 1795 mm विड्थ, 1817 mm हाइट, 2680 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ आप इसका 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। दिस इज ओल्ड एंड अबाउट बोलेरो न्यू N10 वेरिएंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं गाइस, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए, हम ज़रूर उस गाड़ी पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।